अब ये भी जरा इन हमारे वरिष्ठ अधिकारियों से समझने वाली बात है कि जब कोई युद्ध अनैतिक आधार पर लड़ा जाता होगा, क्या उसमें युद्ध में युद्ध करने वालों में उतनी ही इंटेंसिटी और वैसा ही मनोबल होता है क्या अरुण साहब? और जो बात मैं कह रहा हूं वो अहमियत रखती भी है कि नहीं, कि सिर्फ यही अहमियत रखता है कि सामने दुश्मन किसको कहा जा रहा है और हाथ में बंदूक है कि नहीं? रोहित साहब, माफ कीजिए रोहित साहब, आपसे था सवाल। नहीं, जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। देखिए, जब से ये सिलसिला शुरू हुआ है पिछले 5-6 महीने में, आपने देखा किस तरह से यूएस की नीति बनी है, किस तरह से उन्होंने मिलिट्री एक्सरसाइजेस की हैं, नेवल एक्सरसाइजेस की हैं। चीन को अगर आप समझिए, चीन जो प्रोपेगेंडा और इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर करना चाहता है कूटनीतिक तौर पे, उसने किस तरह की व्याख्या हमारे देश के खिलाफ की है अभी तक, किस तरह की व्याख्या उसने ताइवान के विपरीत की है, कैसे वो सामूहिक तौर पे अपना एक इमेज बिल्डिंग करके और अपने साथ लोगों को लेकर चलना चाहता है। जो आपने बात की सर्वेलेंस की, मैं ये भी बताना चाहता हूँ दो टुक होकर कि चीन एक देश है। आप सैटेलाइट देखिए, चीन अगर सोचता है कि वो कुछ प्लेन और कुछ सैटेलाइट से कुछ हासिल करेगा तो इस पूरे वर्ल्ड के नक्शे में क्या हासिल करेगा? चीन के अगेंस्ट इतने देश के सैटेलाइट अभी लगे हुए होंगे कि मिनट टू मिनट सारी पिक्चर क्लियर है, कहाँ खामियां हैं, क्या कर रहा है, क्या ताइवान के सोच रहा है, क्या पाकिस्तान में करने वाला है, क्या भारत के खिलाफ करने वाला है, सारी बैटल पिक्चर क्लियर है। 4-5 महीने में बहुत पहल की है, हमारी सरकार ने भी की है, काफी इंफॉर्मेशन शेयरिंग है। तो चीन ये ना समझे कि ये बौखला कर जो मर्जी बोले ताइवान के अगेंस्ट और कल को बोले मैं कब्जा कर लूंगा, कोई मिलिट्री एक्सरसाइज करके दिखा दे, ये सब ठीक है, तैयारी करनी है चीन को क्योंकि ताइवान पे कब्जा करना है, उसका स्टेटेड एम है वो कि वो बाय फोर्स लेगा, बट कैसे उसको बाय फोर्स नहीं लेने देना वो बाकी विश्व की प्रॉब्लम है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।